फ्रिक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रिक्शन का टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा सम है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन प्लस टेन क्यूब एक्स। सबसे पहले यहां पर हम इसमें न्यूमिरेटर की टर्म में से टेन एक्स कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन क्यूब एक्स डीएक्स। अब 1 प्लस टेन स्क्वेयर को हम लिख देंगे सीकेंट स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा टेन एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स डीएक्स अपॉन 1 प्लस टेन क्यूब ऑफ एक्स। अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ टेन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स डीएक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। अभी वैल्यूज हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, टेन एक्स की जगह लिखेंगे टी और सीकेंस के एक्स की जगह पर डी टी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन प्लस टी क्यूब। अब हमने टी अपॉन वन प्लस टी क्यूब पर पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है। हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो फिर हम 1 प्लस टी क्यूब को कैसे लिखेंगे, 1 को लिख देंगे 1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वेयर। यानी जब पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे इसको हम लिख देते हैं टी प्लस 1 टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1। तो यहां पर टी अपॉन 1 प्लस टी क्यूब इसको कैसे लिख देंगे, टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन। अब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन। इसको हम कैसे लिख देंगे, ए अपॉन टी प्लस वन प्लस, अब टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, न्यूमिरेटर में हम जो है इक्वेशन लिख देंगे बी टी प्लस सी, हमारे पास इसमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन। अब टी प्लस वन इंटू टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, टी इज इक्वल टू टी प्लस वन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन। यहां से अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, t इज इक्वल टू टी इंटू टी प्लस वन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन को जब a अपॉन टी प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन इंटू ए प्लस, इधर से t प्लस वन इंटू टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन को यहां सेकेंड टर्म बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन से करेंगे तो टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन कैंसल, यहां आ जाएगा टी प्लस वन इंटू बी टी प्लस सी। अब हमारे पास एक वैल्यू तो निकल जाएगी, जब हम टी प्लस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे, पुट टी प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स टी की वैल्यू होगी माइनस वन के बराबर। ये वैल्यू हम पुट करते हैं, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वेयर माइनस और माइनस वन प्लस वन इंटू ए प्लस जीरो इंटू बी टी प्लस सी, तो यहां से आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन इंटू ए और यही सारी टर्म जीरो हो गई, तो यहां से आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ वन अपॉन थ्री। अब हमने बाकी वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करेंगे, टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन इंटू ए प्लस, यहां से टी को पहले बी टी प्लस सी से किया बी टी स्क्वेयर प्लस सी टी और उसके बाद हम वन को बी टी प्लस सी के साथ करेंगे, ये आ गया। अब सबसे पहले हम इसमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ जो है टी स्क्वेयर करते हैं, नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर, यहां से जब हमने टी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट किया लेफ्ट साइड से टी स्क्वेयर का कोई भी टर्म नहीं है तो यहां से आ जाएगा जीरो और इधर से टी स्क्वेयर इंटू ए और इधर से बी,
तो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, इसका मतलब है बी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ए, ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन थ्री है तो बी की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन थ्री के बराबर। तो ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट, अब हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, अब हम करते हैं इसमें कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ टी। लेफ्ट साइड से टी का कोफिशियंट है वन, राइट साइड से है माइनस टी इंटू ए तो ये आ जाएगा माइनस ए, और यहां से सी प्लस का और बी टी तो ये भी प्लस का बी हो जाएगा। अब यहां पर हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और जो है हमें जो हमने निकाली है और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री प्लस सी प्लस वन अपॉन थ्री, तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री प्लस सी प्लस वन अपॉन थ्री, वन इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री प्लस सी, तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अगेन ये भी वन अपॉन थ्री के बराबर। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, हमने पार्शियल फ्रैक्शन की इस फॉर्म में लिखा है। अब ए बी और सी की यहां वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस वन बाई थ्री, ये आ जाएगा यानी कि टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, इसको हम लिखेंगे माइनस वन ओवर थ्री अपॉन टी प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू और सी की दोनों की वन अपॉन थ्री है तो वन अपॉन थ्री टी प्लस वन अपॉन थ्री अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, तो इसको हम लिखते हैं कांस्टेंट को अलग से और यहां से वन ओवर थ्री बाहर टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। इसका मतलब है हम इंटीग्रेशन करेंगे टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, इसको लिख देंगे माइनस वन अपॉन थ्री डी टी अपॉन टी प्लस वन प्लस वन अपॉन थ्री टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। अब ये हमारे पास टर्म है, इसको मैं आई मान लेता हूं और हम इसकी पहले अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी। सबसे पहले हम इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, ये हमारे पास क्या है टू टी माइनस वन, तो यहां पर हमने न्यूमिरेटर में टू टी माइनस वन जो है वो हमारा बनाना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूं। यहां पर न्यूमिरेटर में हो जाएगा टू टी प्लस टू अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी। नाउ अगर हमें ऊपर माइनस वन चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर वन ओवर टू टू टी माइनस थ्री प्लस टू इस तरह से लिख देंगे हम अपॉन, ये आ जाएगा टू टी माइनस वन प्लस वन कर देते हैं टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वन ओवर टू टू टी माइनस वन प्लस थ्री अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी। नेक्स्ट, यहां से हम इसको सेपरेट करते हैं वन अपॉन टू टू टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी प्लस थ्री डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, ये है। अब यहां से हमारे पास जो अगर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन को अगर हम जेड लें टू टी माइनस वन इंटू डी टी, ये डी जेड आ जाएगा, यानी यहां से ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड प्लस थ्री डी टी अपॉन। अब यहां से हम परफेक्ट स्क्वायर इसमें बनाएंगे, कोफिशियंट ऑफ टी वो हमारे पास है वन, हाफ द कोफिशियंट ऑफ टी वो हमारे पास है वन ओवर टू, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा वन अपॉन फोर। यहां पर हम इस इक्वेशन में वन ओवर फोर जो है यहां पर इस तरह से यहां पर ऐड किया और यहां पर हमने वन अपॉन फोर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया टी माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी डी जेड अपॉन जेड की
log of z plus thrice of ये आएगा dt upon t minus 1 over 2 का whole square plus 1 minus 1 over 4 ये आ जाएगा 3 upon 4। अब यहां पर हम जो z है इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 upon 2 log of t square minus t plus 1 plus thrice of dt upon 3 by 4 root 3 by 2 का whole square है t minus 1 over 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री ओवर टू का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो यहां से आ जाएगा log ऑफ t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स t माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और लॉग ऑफ t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 और यहां से एक रूट 3 कैंसल, ठीक है 2 ऊपर गया, ये आ जाएगा 2 रूट 3 टेन इनवर्स ऑफ 2 t माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ यहां से 3 आ गया। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 3 टेन इनवर्स ऑफ 2 टी माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब ये वैल्यू हमारे पास आई है इस आई की जो वैल्यू है यानी इस इक्वेशन की, इसका मतलब इसको पूरा सिंप्लीफाई करें टी अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डीटी, इसकी जो वैल्यू है यहां पर हम बाहर हमारे पास इस इक्वेशन में माइनस 1 बाई 3 है, ठीक है तो यहां पर ये आ जाएगा पूरी इक्वेशन में पुट करते हैं dt अपॉन t माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t प्लस 1 प्लस, तो यहां से बाहर है 1 ओवर 3 और ये टर्म हम पूरी की पूरी लिख देते हैं 1 अपॉन 2 log ऑफ t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ 2t माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब जहां पर हमारे पास t है वहां पर हम t क्योंकि हमने स्टार्टिंग में tan x पुट किया था वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 log ऑफ tan x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6, अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, log ऑफ tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस 1 प्लस रूट थ्री इस थ्री से कैंसल, यह आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 टेन इनवर्स ऑफ 2 टेन एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस सी, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यहां पर 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इस पर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, इसको लिखेंगे a अपॉन x प्लस, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो पहले हम लिखेंगे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी होल स्क्वायर है फर्दर इसको लिखेंगे dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a अपॉन x प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इनसे मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से पहले a ओवर x को किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू a, उसके बाद x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को इस टर्म से किया, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक टर्म के साथ कैंसिल हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी, फर्दर लास्ट टर्म से किया तो सिर्फ हमारे पास यहां x बचेगा। अब यहां से हमारे पास एक वैल्यू तो निकल जाएगी जब हम x को जीरो पुट करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू जीरो क्योंकि सिर्फ एक सिंगल टर्म x है, बाकी से हमारे पास कंपेयरिंग कोफिशिएंट की हेल्प से वैल्यूज निकालेंगे, x को जीरो पुट किया 1 इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ए
फर्दर ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो यहां से आ जाएगा वन ए, इसकी वैल्यू ए की हमारे पास वन आ गई। फर्दर अब हम बाल की वैल्यू सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको एक्सपेंड करके जो है एक इक्वेशन बना लेते हैं, वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू ए, और यहां से एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी, और लास्ट में हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। अब इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं, वन इज इक्वल टू एक्स फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, ये आ गया आपके पास। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग सबसे पहले करते हैं, हायर डिग्री की इक्वेशन कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर, तो यहां से आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमारे पास यहां से ए की वैल्यू वन आई है, तो यहां से बी किसके बराबर हुआ, माइनस ए के, तो इसका मतलब बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस वन के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां से लेफ्ट साइड से जीरो, यहां पर ए की टर्म में भी कोई वैल्यू नहीं है एक्स क्यूब की, बी में भी नहीं है, सी में हमारे पास सिर्फ ओनली सी है, तो यहां से सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। उसके बाद हम करते हैं कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां से जीरो और इधर से टू एक्स स्क्वायर इंटू ए, यानी ये आएगा टू ए, देन टू ए प्लस बी, और यहां से लास्ट में है डी। अब यहां पर हमारे पास a की वैल्यू भी पता है, b की भी पता है, a वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जीरो इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस वन प्लस डी, जीरो इज इक्वल टू टू माइनस वन प्लस डी, यहां से d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस वन के बराबर। लास्ट में हमारे पास है कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ x करते हैं, हमारे पास अब a b c और d की वैल्यूज आ गई, नाउ कंपेयरिंग कॉफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स के कॉफिशियंट जो है लेफ्ट साइड से है जीरो और ए की टर्म में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सिर्फ सी और यहां से ई, तो यहां से अगर सी की वैल्यू जीरो है तो हमारे पास जो है ई की वैल्यू भी आपके पास जीरो आ जाएगी। अब हमने ए बी सी डी और ई की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, अब ये वैल्यूज हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की जगह पर है वन तो ये आएगा वन अपॉन एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस सी जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस डी की जगह माइनस वन तो ये माइनस एक्स प्लस जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वन ओवर एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं, वन ओवर एक्स डी एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे इन दो इक्वेशंस में, पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी, तो यहां से ये आ जाएगा वन ओवर एक्स डी एक्स, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस, यहां पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट किया टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ डी टी, तो यहां पर आ गया हाफ ऑफ डी टी अपॉन टी माइनस, यहां पर हमारे पास हाफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब यहां पर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे लॉग ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन टू डी टी अपॉन टी माइनस वन अपॉन टू टी की पावर है माइनस टू डी टी, अब दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे डी टी बाई टी, ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ टी, और यहां पर हम एक्स की पावर एन की फॉर्मूला लगाएंगे टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और ये आ जाएगा
log of mod x minus half log of x square plus 1 minus 1 over 2 t raised power minus 1 upon minus 1. तो यह आ जाएगा log of x minus 1 by 2 log of x square plus 1 plus 1 upon 2 t. तो t की जगह पर भी हम अगेन यहां पर x square plus 1 ही लिख देंगे plus c. तो ये हमारे पास आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx. सबसे पहले यहां पर हम इसमें इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्ट्स लगाते हैं, उसके बाद उसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है. तो उसमें मैं आपको पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल बता देता हूं. जैसे हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकेंड लेते हैं. उसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आता है हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं. और इसमें हम आई लेट का रूल जो है वो अप्लाई करते हैं. आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल. और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली जो इस तरह से आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं. अब यहां पर हम टेन इनवर्स ऑफ एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 डीएक्स. ये हमारे पास है जो है इनवर्स फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है. तो आई और ए में आई पहले आ रहा है तो हम यहां पर इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ये सेकेंड फंक्शन होगा. नाउ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि 1 प्लस x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 dx. अब इसको हम पहले अरेंज करके लिखेंगे, माइनस ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x माइनस माइनस प्लस, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x dx. ये माइनस यहां जाके प्लस हो गया और 1 प्लस x की पावर माइनस 1 को हम लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस x. तो अब यहां पर ये जो इक्वेशन है इसको मैं i मान लेता हूं और हम इसका पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे. तो हमारे पास i जो है इक्वेशन है दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x dx. अब इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 1 ओवर 1 प्लस x को लिखेंगे a अपॉन 1 प्लस x प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. अगेन हम 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस x प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर. तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू a प्लस इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस x इंटू बी एक्स प्लस सी. अब सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं, जब हम 1 प्लस x को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा पुट 1 प्लस x इज 0, यहां से x की वैल्यू है माइनस 1 के बराबर. 1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इंटू a प्लस 0, तो 1 इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन 2 के बराबर. नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करेंगे. जैसे हम लिख देते हैं 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू a प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स. मैंने इसमें इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 1 को पहले बी एक्स प्लस सी से किया फिर x को बी एक्स प्लस सी से किया, तो यहां आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स. नाउ अब हम इसमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करते हैं. सबसे पहले हम करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां से लेफ्ट साइड से आएगा 0, राइट साइड से a प्लस यहां से आ गया b. तो a की वैल्यू हमने 1 बाय 2 फाइंड की है, तो b हमारे पास आएगा माइनस a यानी b की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 1 अपॉन 2. उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कंपेयरिंग
कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो यहां से आएगा हमारे पास लेफ्ट साइड से जीरो, राइट साइड से बी एक्स है तो ये बी और यहां से सी, तो जीरो इज इक्वल टू बी प्लस सी, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी के बराबर, तो माइनस ऑफ माइन बाई वन बाई टू ये आएगा वन अपॉन टू के बराबर। अब इसका मतलब है हमारे पास वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख देंगे, यहां से एक ही जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन टू, ठीक है, और यहां से और बी की जगह पर हमने वैल्यू पुट की है माइनस वन ओवर टू और सी की जगह पर वन अपॉन टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको हम कॉन्स्टेंट को अरेंज करते हैं, वन ओवर टू वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे वन ओवर टू वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वन अपॉन टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब सेकंड की मिडिल टर्म की इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट करते हैं, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ डी टी, यहां से आ जाएगा वन ओवर टू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन टू हाफ ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस वन अपॉन टू। ये हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहां से आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर फोर लॉग ऑफ टी प्लस वन ओवर टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आंसर बन जाएगा इसका इस पार्ट का लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर फोर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वन ओवर टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहां से जो हमारे पास ये इस इक्वेशन में अब फाइनल आंसर निकाल रहे हैं, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स माइनस, यहां पर इस टर्म की इंटीग्रेशन का ये रिजल्ट हम लिख देंगे माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन फोर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन, ये हम लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स प्लस वन। अब हम एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स प्लस वन। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन से ए अपॉन एक्स माइनस वन को करेंगे, यहां आ जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इंटू ए। फर्दर इस टर्म को ए अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर से करेंगे, यहां आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इंटू बी, और सी के साथ करेंगे तो यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू सी, और लास्ट में एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन को डी अपॉन एक्स प्लस वन से करेंगे, यहां आ जाएगा एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू डी, ये आ जाएगा। अब हम दो वैल्यूज तो हमारी निकल जाएगी जब हम एक बार एक्स माइनस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे, फर्दर इसको एक्स प्लस वन को जीरो से करेंगे। अब हम सबसे पहले करते हैं पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स की वैल्यू वन है, तो वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इंटू ए प्लस जीरो इंटू बी, और एक्स की वैल्यू वन पुट की तो यह आ जाएगा टू सी प्लस जीरो इंटू डी, तो वन इज इक्वल टू टू सी, यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू के बराबर। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू
जब हमने x प्लस वन जीरो लिया, हमारे पास a की टर्म जीरो हो गई, b की टर्म जीरो हो गई, c की टर्म जीरो हो जाएगी और यहां पर आ जाएगा माइनस वन का होल क्यूब इंटू डी। तो ये आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन इज इक्वल टू माइनस टू क्यूब इंटू डी, वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एट डी, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ वन अपॉन एट के बराबर। अब हमने ए जो है हमने दो वैल्यू सी और डी की फाइंड आउट कर ली, बाकी वैल्यूज हमने फाइंड करने के लिए हमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करने हैं। सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। एक तो है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, यहां से फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। दूसरी वैल्यू हमारे पास है यहां से एक्स माइनस वन होल क्यूब की, यहां पर हम ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, सो इसका मतलब है हम यहां से जो वैल्यूज हैं यहां पर इनको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन की जगह लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू ए, प्लस दूसरी है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू बी, और तीसरी टर्म हमारे पास है एक्स प्लस वन इंटू सी, और लास्ट में जो फोर्थ टर्म है ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इंटू बी। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू ए प्लस डी। इसका मतलब है हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी दैट इज माइनस वन ओवर एट, तो डी ए जो है दैट इज इक्वल टू माइनस डी, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन अपॉन एट के बराबर। नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या, लेफ्ट साइड से है वन, राइट साइड से है माइनस ए, और यहां से सेकेंड टर्म से बी, और थर्ड टर्म में कोई वैल्यू नहीं है एक्स स्क्वायर की, यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ थ्री डी। अब ये वैल्यूज हम सब्सिट्यूट करते हैं, वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन ओवर ए प्लस बी माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन एट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन इज इक्वल टू टू अपॉन एट प्लस बी, वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर प्लस बी, बी की वैल्यू आ जाएगी थ्री अपॉन फोर के बराबर। अब ये सारी वैल्यूज जो है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए, ए की जगह पर लिखेंगे वन ओवर एट, और बी की जगह पर हमने वैल्यू निकाली है थ्री अपॉन फोर, सी की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन टू, और लास्ट में डी की जगह पर है माइनस वन अपॉन एट। अब यहां पर इसको अरेंज करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, वन ओवर ए डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस थ्री अपॉन फोर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब माइनस वन ओवर एट डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब यहां से हम इसको हर टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे, x माइनस वन होल स्क्वायर को लिख देंगे x माइनस वन की पावर माइनस टू, और यहां से x माइनस वन की पावर माइनस थ्री,
अब यहां से देखो 1 ओवर 8 dx अपॉन x माइनस 1 दैट इज 1 ओवर 8 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 4 x माइनस 1 की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 x माइनस 1 की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस 1 ओवर 8। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं 1 ओवर 8 ये दो टर्म सेपरेट अलग कर देते हैं log ऑफ x माइनस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 4 x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 x माइनस 1 का स्क्वायर log a माइनस log b ये आ जाएगा log ऑफ a अपॉन b यानी ये आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 4 x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। सो दिस इज द फाइनल।